आप उसके ऊपर मनन करते चले गए, आप उसे जगह देते चले गए दिन और रात, जानते हैं? और इसलिए वो गर्भवती होती है। गर्भवती तो परिणाम स्वरूप हुआ क्योंकि उसमें समय बिताया गया है, उसे भीतर आने की अनुमति दी और आपने अनुमति दी कि आपने उसे अनुमति दी कि भीतर जाए और उसे अपने जीवन में जगह रहने की अनुमति दी। इसी तरह से ये सब कुछ हुआ। इसी तरह से गर्भधारणा जो है वो होती है। Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love. प्लीज मेरे साथ में निकाली प्रकाशित वाक्य अध्याय एक वचन पांच का अंतिम भाग पढ़ेंगे और वचन छह पूरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय एक वचन पांच का अंतिम भाग और वचन छह पूरा। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम सीरीज देख रहे हैं हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम बहुत से सब टॉपिक्स देख रहे हैं। और एक सब टॉपिक है जो हम देख रहे हैं, जिसे हम पिछले कुछ हफ्तों से देखते जा रहे हैं, वो है कि हम कैसे राजा हैं। अभी हमने जो वचन पढ़ा ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट रीति से इसे बताता है, बहुत अच्छी तरह से ये बताता है कि उसने हमें धोया है, अपने लहू से हमारे पापों को धोया है। इसे ज्यादा सिखाया जाता है और ये अच्छा है। और फिर ये भी कहता है कि उसने हमें राजा बनाया है और इसे ही ज्यादातर अनदेखा किया जाता है। तो हमने इसे लिया है
ये कि कैसे छुटकारे ने हमें राजा बनाया है, और इसके बारे में चर्चा शुरू की और हमारे राजा होने के बारे में प्रकाशन पाया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे राजा अधिकार और सामर्थ्य का उपयोग करते हैं अपने शब्दों द्वारा। फिर हमने राजा के धन के बारे में चर्चा की। बाइबल हमें राजा कहती है, इसका मतलब ये है कि हम भी राजा के जैसे ही आशीष पाए हैं, हमारे पास धन है, और ये धन तो उससे अलग है, उस धन से जिसका अनुभव इस संसार में लोग करते हैं। इस संसार में लोग धन का अनुभव करते हैं, धन पाते हैं, धन जमा करते हैं, और सबकी अपनी कहानी है कि कैसे वो बड़ी मेहनत करते हैं कि वो ये सब कुछ हासिल करे, कितनी बड़ी मेहनत करते हैं कि ये सब पाए। लेकिन राजा का धन तो विरासत के रूप में आता है। बाइबल हमें बताने की कोशिश करती है कि हमारा धन जो परमेश्वर ने आशीष में दिया है, और ये विरासत के द्वारा है, कड़ी मेहनत के द्वारा नहीं, ये विरासत द्वारा है। परमेश्वर ने शुरू से मकसद रखा कि जीवन ऐसे ही हो, बिना कष्ट के। नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ये शब्द दुख बाइबल में पहली बार आता है मनुष्य के पाप के बाद में, तीसरे अध्याय में। दुख उसके जीवन में आता है। परमेश्वर कहता है दुख में तुम अपने जीवन भर रोटी खाया करोगे, अपने माथे के पसीने से तुम जीवन भर रोटी खाया करोगे, उसने कहा। यानी दुख का संबंध तो बहुत ही ज्यादा कष्ट से है, ये अस्वाभाविक बड़ा बड़ा कष्ट जो जीविका कमाने में यहां पर बहुत जुड़ा हुआ होता है। मैंने कहा शुरू में परमेश्वर का यह मकसद नहीं था, लेकिन केवल पतन के बाद में ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब मनुष्य जाति जिसका पतन हुआ है, कई बार हमारे पास पतन का मन होता है, नए मन के बजाय विश्वासी के नाते कई बार हम उसी तरह से सोचते हैं पतन पाए मनुष्य के रूप में, कि कष्ट के बिना सब कुछ कैसे पा सकते हैं, संसार ऐसे ही है, वो ऐसे ही कहता है, हम कैसे कुछ पाने के लिए कष्ट न करें, और ये तो बिल्कुल मनुष्य के कारण के विरुद्ध में है जहां तक वो सोचते हैं। लेकिन हम यहां पर ये कहने के लिए नहीं कि संसार कैसे सोचता है। अगर ये कहने के लिए है कि संसार कैसे सोचता है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं, और उसके लिए चर्च की भी जरूरत नहीं, क्योंकि संसार जो सोचता है वो सोचता है हर जगह उपलब्ध होता है। टीवी ऑन कीजिए, वो बताएंगे क्या सोचते हैं। संसार क्या सोचता है ये सीखने के लिए चर्च में जाने की जरूरत नहीं। पौलुस कहता है इस संसार के सदृश न बनो, यही तो चर्च में आने का कारण है, विश्वासी होने का यही कारण है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते चले जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मन को नया बनाना, हाँ, हमें यही तो चाहिए। हमें संसार जैसे नहीं सोचना है, संसार अपने तरीके से सोचता है, और अब हम पतन पाए हुए मनुष्य नहीं हैं, हम तो छुड़ाए गए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं। हमें बाइबल की तरह से सोचना है। अगर आप शुरू में देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य की हर जरूरत पूरी की, उसने कहा यह सब कुछ मैंने तुम्हारे भोजन के लिए बनाया है, सब पहले से उपलब्ध था, जो मनुष्य को चाहिए था वो सब परमेश्वर ने बनाया, और अंत में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। तो जब मनुष्य आया तो उसके पास जो कुछ भी उसकी जरूरत थी पहले से ही था। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जाकर तुम काम करो, उसने ये नहीं कहा कि मेहनत करोगे तो ज्यादा कमाओगे, उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया है, और फिर उसने उसे काम दिया। देखिए, हम काम को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम काम के विरुद्ध में नहीं, हम काम करते हैं, विश्वास करते हैं कि काम आशीष है। लेकिन काम का उद्देश्य क्या है? काम का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हमारे जीवन में परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर दे, हमारे अंदर जो योग्यता और महारत परमेश्वर ने रखी है उसे हम बाहर निकालते जाएं, कि ये हमारे लिए और दूसरों के लिए भी आशीष हो जाए, और साथ ही संसार में परमेश्वर के उद्देश्यों को वो पूरा करते चले जाएं। यही काम का अर्थ है। मनुष्य के लिए सब प्रयोजन करने के बाद परमेश्वर ने उसे काम दिया। यानी काम तो शुरू से ही मनुष्य की कमाई के लिए कोई साधन नहीं था, परमेश्वर ने उसके लिए सब प्रयोजन किया, वो उसका प्रयोजन करता है।
काम वहां पर था और उसने खुशी से काम किया, क्योंकि वो वही कर रहा था जो परमेश्वर चाहता था कि वो करे। वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर रहा था। अगर बाइबल के अनुसार करना है तो हमें यही करना होगा। ठीक है, तो बाइबल कष्ट के बिना धन के बारे में सिखाती है, और आज भी विश्वासी के नाते हमें अपने पसीने, अपने कष्ट और अपने मेहनत पर विश्वास नहीं करना है, पर प्रभु की आशीष पर विश्वास करें। परमेश्वर की आशीष हमें धनी बनाती है, हमारे कष्ट नहीं। ये प्रभु की आशीष है, मैं प्रभु की आशीष पर बहुत विश्वास करता हूं। लेकिन हमारा नया न बना मन हमेशा बीच में आता है, हाँ, यह हमें परमेश्वर की इच्छा की भरपूरी में नहीं जीने देता है, क्योंकि ये संसार के तरीके से सोचता है, हमें अनुमति नहीं देता कि हम परमेश्वर की आशीष का आनंद उठाएं, क्योंकि नया न बनाया मनुष्य विश्वास करने को तैयार नहीं इन अद्भुत बातों पर जो बाइबल कहती है, परमेश्वर की अद्भुत योजना और उद्देश्य। ये कष्ट के बिना धन के विचार को ले ही नहीं सकती है, ये कष्ट के बिना धन के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम इसका आनंद नहीं उठा पाते, अपना दिल इसके लिए खोल नहीं पाते, इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने मन को नया बनाने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अपने मन को कैसे नया बनाए? अपने मन को नया बनाने का एक तरीका परमेश्वर ने दिया है, और वो है मनन करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मनन करने से परमेश्वर का वचन हम ले लेते हैं, अपने दिल में लेते हैं, ताकि हम उत्पन्न कर सके जो परमेश्वर हम में और हमारे द्वारा उत्पन्न करना चाहता है। जैसे स्त्री बच्चे को धारण करती है और फिर बाद में बच्चे को जन्म देती है, हमें परमेश्वर के वचन के बीज को आने देना है कि वो हमारे दिल में जाए और इसके कारण हम धारणा को प्राप्त कर ले, और फिर हम इसे धारण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसे जन्म देती हैं। ये क्रिया है जिसके द्वारा सब कुछ होता है। ये वही पुराना सिद्धांत है बोने और काटने का। कुछ भी बोए बिना आप कुछ कटनी नहीं कर सकते हैं, और बच्चे का जन्म भी बोना और काटना है। एक बीज बोया जाता है और फिर बच्चा गर्भ में आकार लेता है, और कुछ महीने लगते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह से बढ़ जाए और फिर माँ बच्चे को जन्म देती है। धारणा को होना जरूरी है। ये जो धारणा है वो कब होती है? देखिए, धारणा मनन करने के द्वारा होती है। हम वचन लेते हैं और वचन तो बीज है। बाइबल कहती है, यीशु ने ये कहा है, बोने वाला बीज बोने निकला, वचन तो बीज है। आज हमें जो भी चाहिए वचन उसके लिए बीज है, वचन बीज है। हमें जो भी चाहिए वो हम उत्पन्न कर सकते हैं, हमें जो भी चाहिए संसार में लेकर आ सकते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, जरिया है जिसके द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो है धारण करना और फिर जन्म देना। इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का बीज भीतर जाए, मनन के द्वारा इसे धारण किया जाए और फिर जन्म होता है। कई साल पहले जब मैं सेवकाई शुरू कर रहा था, मैंने अद्भुत प्रचारक को सुना जो कोरियन प्रचारक थे। मैं बहुत ही रोमांचित हुआ उनके द्वारा और उनके प्रचार से। वो बहुत दिलचस्प हैं। उन दिनों में उन्हें इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं आता था, उन्हें इंग्लिश बोलने में मुश्किल होती थी, लेकिन उनके विचार तो बहुत ही अद्भुत थे। और एक बार मैं उन्हें सुन रहा था और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने ऐसा संदेश सुना जो पहले कभी नहीं सुना था, मेरे जीवन में उस समय तक नहीं सुना। मैंने उनका संदेश सुना, उन्होंने बताया कैसे उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि उनकी सेवकाई शुरू हुई आर्मी टेंट में, वो वहां पर काम कर रहे थे, उन जुग्गी झोपड़ी में शुरू में, और उनके पास जगह नहीं थी, और अमेरिकी सेना वहां पर थी, और उनके पास में एक पुराना टेंट था, उन्होंने उन्हें दे दिया कि सभा कर सके। उन्होंने कहा उस तंबू में वो सभा करते थे और उनके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास टेबल, कुर्सी और साइकिल भी नहीं थी, उन्हें टेबल, कुर्सी और साइकिल चाहिए थी। उन्हें टेबल और कुर्सी चाहिए थी कि बैठकर अध्ययन कर सके, और जाने के लिए साइकिल चाहिए थी, बस यही चाहिए था। और उन्होंने सिखाया कि कैसे उन्होंने विश्वास किया कुर्सी, टेबल और साइकिल के लिए, और अपने दिल में उसे धारण किया,
और सच में उन्होंने पाया टेबल और कुर्सी और साइकिल को। मैं वहां पर बैठकर सुन रहा था, मैंने कहा मेरे प्रभु ये कौन सी बात है, मैंने कभी किसी से ऐसे नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैंने सच में उसे धारण कर लिया, ये मानो ऐसा था जैसे कि टेबल से गर्भवती हुआ और कुर्सी और साइकिल से, और जन्म दिया टेबल कुर्सी और साइकिल को, मैं उन पर विश्वास करता हूं। और वो कहते हैं आज मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे उनका चर्च हो या बड़ी सभा हो, चाहे जो भी सुविधा हमारे पास है, मेरा व्यक्तिगत जीवन और जो कुछ भी हमारे पास है, जानते हैं कि ये जिससे हमने आशीष पाई है, वो सब मेरे पास में आया उसी तरह से, वो सब मैंने धारण किया। मुझे परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में लेकर प्रभु पर विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर मेरे लिए इन चीजों का प्रबंध करेगा। वचन ही बीज था, वचन ही वो था जहां सब शुरू हुआ। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने लगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मैंने थाम लिया और उसे मनन के द्वारा मैंने धारण करना शुरू किया, उन्होंने कहा, और फिर उसे जन्म दिया उन सारी चीजों को जिस पर मैंने मनन किया और उसे धारण किया था। हर बात जिसके लिए मैंने विश्वास किया, हर एक बात जिसके लिए प्रभु की प्रतिज्ञा को लेकर उसे मैं थामे रहा और अपने दिल में उसे धारण किया, उसे मैंने जन्म दिया, ऐसे कहा। यह मेरे लिए आकर्षण की बात थी, मैंने सेवकाई हाल ही में शुरू की थी और मुझे भी जरूरी था कि बहुत सी बातों को मैं जन्म दूं, क्योंकि मैं बस शुरू कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा है, और मैं उनकी सुनते रहा। और उन्होंने बताया कि कैसे पौलुस गलातियों में कहता है कि कैसे उसने सच में उसे जन्म दिया, गलातियों की उस सभा को, गलातियों के चर्च को, प्रेरित के रूप में सच में उसने उन्हें जन्म दिया, मसीह में उनका जन्म करवाया। वो ये कहता है और फिर वो कहता है कि कैसे उसने उन्हें जन्म देने के बाद में मानो फिर से गर्भवती होता है और वो इन बातों में से होकर जाता है, पीड़ा में से, जच्चा की सी पीड़ा, कहता है सच में वो जच्चा की पीड़ा में से होकर जाता है कि उन्हें परिपक्वता में लेकर आए। उसने उन्हें जन्म दिया, वो विश्वासी हो गए हैं इन अन्य जातियों को, और अब वो सच में जच्चा की सी पीड़ा में से होकर जा रहा है, मानो जैसे कोख में बच्चे को धारण करना है और वो फिर से उन्हें जन्म देने की कोशिश करता है, उन्हें शिक्षा देने के द्वारा की परिपक्व बनाए। उसने ये शुरू किया, वो सिखाने लगा, और मैं देख सकता हूं ये बाइबल की बात है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन फिर वो कुछ उदाहरण देता है, चलिए आज हम उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं याकूब अध्याय एक, याकूब अध्याय एक। पहले हम नकारात्मक उदाहरण देखेंगे। हर एक बात जो हमारे जीवन में होती है वो इस नियम से होती है, ये जीवन का नियम है। बोना और काटना जीवन का नियम है, बोए बिना आप काट नहीं सकते हैं। अगर कुछ हो रहा है ये तो इसीलिए हुआ क्योंकि बोया गया और इसके कारण आज कटनी हो रही है। बोने और काटने का सिद्धांत। अब याकूब अध्याय एक वचन 13, ये नकारात्मक उदाहरण है। बाद में हम सकारात्मक उदाहरण को देखेंगे, लेकिन पहले नकारात्मक को देखें कि कैसे बुरी चीजें धारण की जाती हैं इसी नियम के द्वारा। वचन 13, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। ये बता रहा है कि पाप कैसे होता है, इस विषय को खोलता है कि कैसे कुछ लोग पाप में गिरते हैं। लोग ऐसे ही पाप में नहीं गिरते हैं जैसे हम कहते हैं, यह ऐसा नहीं जो कि अचानक ही हो गया हो, वो नीचे उतरते जाते हैं एक समय, एक कदम पर सच में, लेकिन कहते गिर गए। देखिए वो इसे इस तरह से दिखाते हैं कि अचानक ही वो वहां पर उस गड्ढे में गिर गए हैं, यह ऐसा नहीं है। याकूब यहां बताता है पाप कैसे होता है। वो कहता है ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक समय एक कदम उठाते हैं, इस क्रिया में से होकर जाते हैं उसे धारण करने के, आप इस क्रिया में से होकर जाते बीज बोते हैं कि बुरे काम होते जाएं, फिर ये दिल में धारण होता है, फिर ये पाप को जन्म देता है। पाप इसी तरह से होता है, कहता है। वो इसी मुद्दे पर आता है, चलिए देखते हैं वचन 13 में वो क्या कहता है कि कोई मनुष्य ये न कहे जब उसकी परीक्षा हो कि परमेश्वर ने परीक्षा ली। अब हमें ये महत्वपूर्ण बात को देखना ही होगा, बहुत से लोगों की जब परीक्षा होती है पाप से, आप उन्हें कहते हुए सुनते, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने मेरी परीक्षा क्यों ली है। इस परीक्षा के साथ
कम से कम वो कहेंगे क्यों परमेश्वर ने इस परीक्षा को आने की अनुमति दी। ठीक है, देखिए वो यही तो कह रहे हैं कि देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अगर प्रभु से मेरी परीक्षा नहीं करता। वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। देखिए परमेश्वर ने इस परीक्षा से मेरी परीक्षा ली। आपको क्या लगता है परमेश्वर वहां पर बैठा और किसी बुराई से आपकी परीक्षा करना चाहता है? बुराई से आपकी परीक्षा लेने के लिए वो तो बुरा व्यक्ति होगा, यही याकूब कहता है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये न कहें कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। तो जब परीक्षा होती है, जब मनुष्य पाप में गिरता है, तो ये सब कैसे होता है? परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। देखिए जब मैंने पाप से आजाद होने के बारे में सिखाया, तो यहां पर मैंने आपको इस तरह से नीति वचन से सिखाया। वो एक बुरी स्त्री के बारे में कहता है और एक पुरुष के उसके साथ के संबंध के बारे में बताता, और ये बताता है कि कैसे उससे वो दूर ही रहे। वो उससे कहता है कि वो जहां रहती है उस क्षेत्र में भी मत जाना, वो जहां पर रहती है उसकी गलियों में भी कभी नहीं जाना, उसके आसपास भी नहीं भटकना। देखिए आप जानते हैं ये ऐसे होता है जब आप परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करते हैं, शैतान हमेशा आपकी मदद करता है कि प्रभु के खिलाफ जिए। जैसे एक भाई ने कहा कि मैं बस से जा रहा था ब्रदर, अचानक बस वहां पर मुड़ गई और जानते हैं मुझे कहां पर पहुंचा दिया? बिल्कुल उसके घर की गली के सामने में ही। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? परमेश्वर को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन ये तो बस इसी तरह से हो गया। नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। शैतान ये सब कुछ करने में बहुत ही माहिर है। वो परिस्थितियों को लाने में माहिर है। वो आपको वहां ले जाना चाहता है। वो सब कुछ संभव करना चाहता है। जब आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो वो विरोध में करना चाहता है, सब कुछ बिल्कुल मुश्किल बनाता है। हाँ, और जब आप पाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान बनाता है, बिल्कुल दरवाजे पर लेकर आता है, जानते हैं, होम डिलीवरी। तो वो ये न कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये परीक्षा कैसे होती है, इस क्रिया को देखिए वचन 14 में। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। देखिए सभी की समस्या होती है। शैतान को नरक से कुछ इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहां लाए कि हमें पाप में वो फंसा दे। पहले से ही हमारे पास में समस्या है, हमारे पास पाप का शरीर है, हमारे पास शारीरिक जरूरतें हैं। मैंने इसके बारे में हमारे पिछले प्रचार में बताया है, पाप से आजाद होने के बारे में। और शैतान अक्सर इन सामान्य जरूरतों का उपयोग करता है जिसे परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखी है। ये नैतिक जरूरतें प्रभु ने शरीर में रखी हैं, वो इनका उपयोग करता है और हमसे कहता है कि इन जरूरतों को अनैतिक तरीके से तुम पूरा करते जाओ। वो यही करता है, वो लाभ उठाता है हमारी कमजोरी का। वो बताने की ये कोशिश करता है, ठीक है सब ये कर रहे हैं कोई बात नहीं, वैसे ही करता है। और इन शारीरिक जरूरतों में कई बार कुछ चीजों की इच्छाएं मनसाएं होती हैं, और अगर आप सावधान नहीं रहे और अगर आप यहां पर सावधान नहीं होते हैं कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुनते हैं या किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो ये चीजें अभिलाषा बन जाती हैं। ये सामान्य इच्छाएं आगे जाकर अभिलाषा बन जाती हैं, गलत तरह की इच्छा होती, यही होता है। वो व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। अब हर एक व्यक्ति की अपनी अभिलाषा से परीक्षा होती है। शैतान इसी चीज का उपयोग करता है कि इन इच्छाओं को वो अभिलाषा में बदल दे, और फिर इसी का वो उपयोग करता है, पाप में फंसाता है। अब इसे सुनिए, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, देखिए यहां पर गर्भवती शब्द आया है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है, यानी अभिलाषा को गर्भवती होना है, यहां पर एक क्रिया होती है। यह ऐसा नहीं कि अभिलाषा आई और आप उसमें गिर गए, ऐसा नहीं है। अभिलाषा भीतर जाकर गर्भधारणा करती है। ये गर्भधारणा की क्रिया में से होकर जाती है। इसका मतलब आपने अभिलाषा के बीज को, अभिलाषा के शब्द को आने दिया, अभिलाषा के चित्र को, वो चीजें जो आपके दिल में अभिलाषा को उकसाती जाती है। और फिर क्या होता है, ये आगे जाकर आपके अंदर असली समस्या हो जाती है और ये गर्भवती होती है, या आपका भाग हो जाती है। जैसे बीज स्त्री में जाता है और वो गर्भवती हो जाती है, अब ये अगले स्तर में चला गया है, गर्भवती होती है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, कभी धारण नहीं करते,
क्योंकि वो प्रचार को इस कान से सुनते हैं और इसे निकाल देते हैं इस दूसरे कान से। ये भीतर नहीं जाती, कभी धारण नहीं करते। कई बार यही तो होता है। लेकिन बात यह है, जब आप मनन करते हैं, जब दिन रात किसी बात पर आप मनन करते रहते हैं, तो उसे आप धारण करने की अनुमति देते, यही कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि आपने कुछ देखा और तुरंत ही वहां आप उन बातों की ओर चले गए, ऐसा नहीं। आप उसके ऊपर मनन करते चले गए, आप उसे जगह देते चले गए दिन और रात, जानते हैं। और इसलिए वो गर्भवती होती है। गर्भवती तो परिणाम स्वरूप हुआ क्योंकि उसमें समय बिताया गया है, उसे भीतर आने की अनुमति दी और आपने अनुमति दी कि आपने उसे अनुमति दी कि भीतर जाए और उसे अपने जीवन में जगह रहने की अनुमति दी। इसी तरह से ये सब कुछ हुआ। इसी तरह से गर्भधारणा जो है वो होती है। Want to thank, oh, I just want to.